नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलरफुल नेचर के साथ, मैं हूँ आपके साथ। सो गाइस, आज की सुबह तो बहुत ही अच्छी गई है एंड थोड़े काम के सिलसिले में भागा दौड़ी है, बट एक जगह पर जाना है, वहाँ पर थोड़ा काम देखना है और काम देख कर वहाँ से निकल जाना है। फैन ऑन करेगा तू लिफ्ट में? जब भी घुसता है तो फैन क्यों ऑन करता है? મને બહુ આનંદ આવે બગાડવા માટે, કોકડું બળે ને કુટડું એ ઇસકી લેંગ્વેજ મે બોલ રહા હે, ગુજરાતી લેંગ્વેજ મે। મેરી બાત સુન, ઓફિસ સે પહેલે મટીરિયલ લે લે ઓર ટેરેસ પે લે લે સીધા, ઠીક હે? નમસ્કાર સરજી। નમસ્કાર સરજી। યે કબૂતર હે ના, યે જો છત દિખ રહી હે ના આપકો, इसके अंदर पता नहीं कैसे घुसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो, दिख रहा है आपको? आप अंदर कैसे घुसे हो? हेलो, आप बाहर कैसे आओगे? कोई बात नहीं, आप बैठो, क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत धूप है। हमारे जैसे इंसानों की तो वाट लग गई है, आप बैठो अंदर, ठीक है ना? बाहर मत आइएगा, आप अंदर ही रहिए। कबूतर जी अंदर ही बैठे बेचारे, मैं इनको डिस्टर्ब ना करूँ तो अच्छी बात है, वरना वो तो अपने काम से ही शांति से ही बैठा है। बात तो सही बोली मैंने अपने आप को, वेरी गुड इंग्लिश, बहुत शांति। सो गाइस, बारिश तो इतनी गिर रही है, उसके बाद जैसे ही बंद हो जाती है बारिश तो मतलब धूप इतनी शुरू हो जाती है ना कि पूछो ही मत यार, मतलब पूरी बॉडी में पसीना हो जाना। और ओ माय गॉड, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी भी मेरा सर इतना पेन कर रहा है ना। हाँ ठीक है सर, अब मैं उसको कलेक्ट करके ले आता हूँ ऊपर। सो मेरी और हमारे साथ काम करने वाले लोगों की ना एक आदत है कि जब चीजें लेनी होती है ना, तब ये लोग ना याद करके लेते नहीं है, जबकि रोज इस चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है यार, रोजाना उस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पर जब काम शुरू होता है ना, तब बोलता है यार मैं तो ये भूल गया, यार मैं तो वो भूल गया। यार पहले तुम्हारी क्या बुद्धि फैस चलने जाती है क्या? अभी लिफ्ट ऑन है, अगर नहीं होती तो मुझे यहाँ पर किसी का नाम लेने में और उसका नाम बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कहना चाहूंगा कि बकरी का बच्चा पाले ना तो किसी को देने की हिम्मत नहीं होती है। यह माँ बाप अपनी बेटी देते हैं आपकी नस्ल पैदा करने के लिए, उनके सामने तो नजर उठनी नहीं चाहिए, एहसान तले गर्दन झुकी रहनी चाहिए। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि शादी के बाद हम सब सेटल कर देंगे, शादी के बाद ये सब कुछ हम ठीक कर देंगे, हम सारी चीज़ों में डिसिप्लिन ला देंगे, तो आप वो औलाद हो जो सारी चीज़ें किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप एक सच्चे मर्द हो या एक सच्चे इंसान हो आप, तो आप पहले खुद से प्यार करो, अकेले कुछ करके दिखाओ, उसके बाद किसी की औलाद अपने घर की लक्ष्मी बनाओ। ये किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का कुछ कोई एड्रेस नहीं है, ना ही किसी का कोई पर्टिकुलरली इशारा है, बट ये चीज़ हर किसी पे लागू होती है। उम्मीद करता हूँ कि समझने वाला इंसान को सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। इसे अगर इंसान समझ जाता है तो उसमें भलाई है उसकी और उसके आने वाले औलाद की और उसकी आने वाली लाइफ पार्टनर की और उसके साथ रहने वाले सभी लोगों की। देन अगर समझ जाए तो वो सबसे बड़ा आपका एक बेनिफिट होगा। सो गाइस, मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है कि अभी जस्ट मैं अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, तो मैं जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आ रहा था तो अपनी गाड़ी पार्क करके सीधा अंदर आ रहा था, तब मुझे एक अंकल मिले। अंकल ने बोला कि बेटा मुझे एक कप चाय पिला दे और मुझे सिर्फ एक 50 रुपये दे देना। तो कम वो अंकल के हुलिये से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अंकल तो काफ़ी अच्छे घर के मुझे दिख रहे हैं, ये अंकल पैसे क्यों मांग रहे हैं? एंड तुरंत ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया और मैंने सोचा कि यार मैंने काफ़ी लोगों को पैसे मांगते हुए देखा है, बट उनके कपड़ों के हुलिये से और देखा जाए तो वो उनके रहने से मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ इसका बनता है, बट ये अंकल क्यों मांगते? तो मैंने अंकल को सिर्फ पैसे दिए, मैंने उनको चाय भी मैंने पिलाई,
एंड मैंने अंकल को एक चीज पूछी, मैंने बोला अंकल मुझे आप ऐसा क्यों, मतलब समझ में नहीं आया मुझे, मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब कि जिस तरीके से आपने कपड़े पहन के रखे हुए और आप पैसे मांग रहे हो और चाय पीने के लिए मेरे पास मांग रहे हो, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है? तो अंकल ने बोला कि बेटा कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें कह सकूँ, जो वक्त था वो बीत गया। तो मैंने मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट लगा कि मैंने बोला नहीं मैं अंकल आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप मुझे बताइए कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? अंकल ने मुझे बोला, अंकल ने मुझे सिर्फ दो वर्ड बोले, पहला कि कर्मा घूम फिर के आता है, और दूसरा मुझे बोला कि जिंदगी के साथ ढल जाओ और जो है उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लो। तो मुझे थोड़ा सा, और मैंने बोला अंकल आप कंफ्यूज मत करिए, साफ साफ मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है आपके साथ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अंकल ने मुझे बोला कि बेटा मेरा एक बेटा था कि जिसने मुझे घर से निकाल दिया, एंड फिलहाल मैं बस अपनी अपनी राह पर नहीं निकल चुका हूँ। मैंने बोला अच्छा, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा जब मेरी एज थी, मेरी जो उम्र थी, तो मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाया। मैं अपनी ऑडियंस को एक ही बात कहना चाहूँगा, और बात ये है कि आप कहीं ना कहीं मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, ऐसे कहीं लोग होंगे जो पेरेंट्स भी मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, मैं उनको यही नसीहत देना चाहूँगा कि आप अपने बेटे को सही टाइम पर सही संस्कार दीजिएगा ज़रूर, वरना ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में जब आपको उसकी ज़रूरत हो और वो आपको टाइम ना दे, ये चीज़ आप ज़रूर गौर करना। मैंने अंकल की स्टोरी तो पूरी सुन ली है, मुझे एग्जैक्टली अपनी ऑडियंस को क्या कहना है वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बेटे को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव, गणपति जी, इन सारी भगवानों की बातें, इन सारे अच्छे अच्छे संस्कारी बच्चों के बारे में अगर आप अपने बेटे को समझाओगे या उनकी बातें करोगे, तो शायद आपके बुढ़ापे में, या फिर बुढ़ापा ही कह सकता हूँ मैं क्योंकि इंसान लास्ट वहीं तक पहुँचता है, तो शायद आपके हाथ या पैर पेन करते होंगे तो वो आपको दवाइयाँ ला के देगा या फिर आपकी सेवा करेगा, अगर इन सारे लोगों की बात करी होगी तो। अगर नहीं करी होगी तो लास्ट में आपका गला तो है ही, अभी की जनरेशन वही कर रही है। अगर आप अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों पर व्यस्त रखोगे ना, लास्ट में घूम फिर के वहीं आना है। तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिएगा ज़रूर, वरना ये अंकल वाली स्टोरी आपके साथ भी हो सकती है। वैसे गर्मी के मौसम में फिर ज़्यादातर लोग क्या है ना कि ब्रिज पर बैठने के लिए आते हैं, तो आज मुझे भी थोड़ा शौक चढ़ा था, मैंने बोला क्यों आज ब्रिज पर जाकर बैठा है। ब्रिज पर इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, और गाड़ियाँ जा रही है, अच्छा लगता है, मतलब कि हवा भी आ रही है, गाड़ी भी सब जा रही है यहाँ से, और बाकी में इतना बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये ज़िंदगी का आनंद है, मौज कर लो, एक बार मिली है जी लो। सो ये वाकई में यहाँ पे सब गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, यहाँ पर सब लोग मतलब अपनी थैली वगैरह लेकर आते हैं। देखो ये अंकल आ रहे हैं ना, ये अंकल भी अपने घर जा रहे हैं, जो उनका हो चुका है अब काम धंधा ख़त्म, वो जा रहे हैं अपने घर। गाड़ियाँ आ रही है हमें पूरी इंजन खत। यार मुझे ना एक चीज़ समझ में, लोगों के इंजन ख़राब हो जाते हैं गड्डी के, फिर भी रिपेयर नहीं करवाते ये लोग, और भागते ही रहते हैं गाड़ियाँ लेकर। सो गाइस अब मैं भी घर के लिए निकलने का सोच ही रहा हूँ, तो अब मैं भी जाऊँ घर पे, और आप भी अगर बाहर कहीं हो तो आप भी जाओ घर पे, आपकी फैमिली इंतज़ार कर रही है, मेरी फैमिली भी इंतज़ार कर रही है। सो बस मेरे ब्लॉग का आज मैं डीएंड करता हूँ खत्म आज का। सो मैं आपको कल फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई गॉसिप के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और एक नई जर्नी के साथ। तो आज के लिए बस इतना।
इतना ही, मैं आपको कल फिर मिलता हूँ।